अब इसमें देखिए कि जिससे पहले थर्ड वन इज द फॉस्फेट एंड सेकेंड वन नाइट्रोजिनस बेस और इससे पहले कवर किया वन इज़ द पेंटोज सुगर। इन तीनों को मिला के क्या नाम दिया गया, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अब इसमें से फॉस्फेट रिमूव कर दो तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस यदि अपन देखते हैं, या ऐसे जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो गया पेंटोज सुगर, एक न्यूक्लियोटाइड है, और इस पेंटोज सुगर के साथ में क्या बाइंड होगा, या तो प्यूरीन या फिर पायरिमिडीन बाइंड हुआ। कितने पर बाइंड होता है ये मालूम है, यदि मान लीजिए पायरिमिडीन बाइंड होता है, पायरिमिडीन में साइटोसिन है, यूरेसिल है, थायमिन है, इनमें से कोई यदि बाइंड होता है तो इनका जो फर्स्ट नाइट्रोजन है वो बाइंड होगा फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज सुगर से, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इसमें एच। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये वाला एच बॉन्ड है। तो पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में किसके थ्रू बाइंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अब यहीं पेंटोज सुगर में, यदि पेंटोज सुगर है, डीऑक्सीराइबोज सुगर है डीएनए की, तो इसमें थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ता है और फर्स्ट कार्बन पे जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड है, ये वाला, दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड की वजह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो होता है हेलिकल, तो इस बॉन्ड की वजह से डीएनए इज हेलिकल, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है कि ये न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए एंड आरएनए क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे जैसे बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए में और आरएनए में, तो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए एंड आरएनए क्या क्या हो सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट इन आरएनए, आरएनए के अंदर न्यूक्लियोसाइड एंड टाइड, और ये डीएनए में, तो देखिए आरएनए है, तो आरएनए में क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए आरएनए में बेस को लेके डिफरेंस देखें अपन, बेसिकली कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, तो सी ओ टी, देखिए मान लीजिए जैसे डीएनए है तो डीएनए के अंदर फोर बेस होंगे, फोर बेस कौन कौन सा, एक तो मीन्स प्यूरीन, प्यूरीन में एक तो ग्वाइनिन है और एडिनोसिन एंड ग्वाइनिन, ए एंड जी है। देखिए तो अब डीएनए में क्या होगा, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन दोनों होंगे, तो प्यूरीन पूरा एक होगा, मीन्स इसमें डीएनए बेस फोर हैं, फोर में एडेनाइन एंड ग्वाइनिन, ठीक ये प्यूरीन हो गया। अब पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में तीनों होते हैं, तीनों में कोई दो, टोटल तो चार हैं, तो इसका मतलब तीन में से कोई दो हैं, तो वो जो दो हैं वो कौन कौन से हैं, डीएनए के अंदर सी और टी, यहाँ पर सी और टी होता है, ये याद रखना है अपन को, डीएनए में प्यूरीन ये है तो पायरिमिडीन ये होगा, समझ आ रहा है, पायरिमिडीन कौन सा एब्सेंट है इन डीएनए, डीएनए में एब्सेंट है यू। अब मान लीजिए यही नाइट्रोजिनस बेस आरएनए में हो, तो एट प्लेस ऑफ मींस आरएनए के अंदर भी फोर बेस होंगे, तो वो कौन कौन से बेस हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये आरएनए है, तो आरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, सुगर होगी, बट कौन सी, राइबोस सुगर होगी, नाइट्रोजनस बेस होगा, प्यूरीन होगा, प्यूरीन तो कौन कौन सा होगा, ए और जी,
बट यहां पे देखिए, इसमें साइटोसिन सी मींस एडेनाइन होगा, ग्वानिन होगा और इसमें सी वी होगा। अब सी की जगह पर आगे टी था, टी रिप्लेस्ड बाय द यू। ये डिफरेंस है डीएनए का और आरएनए के बेस का। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, जब भी डीएनए आएगा तो उसमें टी होगा, लेकिन जब आरएनए आएगा तो टी के प्लेस पर यहाँ क्या है, यू, राइट। अब इस बेस पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड डीएनए आरएनए में देखते हैं क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपसे कहा जाए मींस न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो यहाँ पर देखिए ए है, मींस सबसे पहले तो पेंटोज शुगर होगी, न्यूक्लियोसाइड है तो पेंटोज शुगर प्लस एडेनाइन, एडेनाइन है, आरएनए है तो आरएनए के अंदर बेस क्या क्या प्रेजेंट है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। डीएनए के अंदर बेस पेयर क्या प्रेजेंट है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है, ये बेस है, क्लियर है। अब अपन नया रख लिया, अब यहाँ से निकालेंगे तो देखिए आरएनए है तो आरएनए में पेंटोज शुगर है, कौन सी, राइबोस शुगर होगी, पेंटोज शुगर तो है ही तो राइबोस शुगर, तो चलिए अपन यहाँ पे राइबोज लिखते हैं। राइबोज के साथ में कौन है, एडेनाइन, ठीक, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है एडिनोसिन, इसका नाम क्या है, एडिनोसिन, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस बेस इजिकल टू न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा मींस शुगर बेस प्लस फॉस्फेट, तो इनका कॉम्बिनेशन तो एडिनोसिन ही आ गया, एडिनोसिन। अब एडिनोसिन के साथ में क्या जोड़ना है, फॉस्फेट, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो बनेगा एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन से एसिडिटी बढ़ेगी, अभी तक तो एल्कलाइन है, इसका नेचर एल्कलाइन है, नाइट्रोजनस बेस, बट इसके साथ में फॉस्फेट जुड़ते ही तो एसिडिक हो जाएगा, दिस इज द एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, इज इट क्लियर। मोनोफॉस्फेट है, एडिनाइलिक मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, एएमपी, शॉर्ट में इसको अपन क्या नाम देते हैं, एएमपी, एडिनाइलिक एसिड में एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट भी नाम देते हैं इसको, एएमपी, इज इट क्लियर। तो पहला ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड ये न्यूक्लियोटाइड पहला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन पर ओनली एच है, ओ का डी हो गया तो डीऑक्सी राइबोस प्लस एडेनाइन। अब बनेगा न्यूक्लियोसाइड ऑफ द डीएनए, न्यूक्लियोसाइड ऑफ द डीएनए क्या होगा, डीऑक्सी, बस बाकी का वही सेम है, डीऑक्सी एडिनोसिन राइट, ए न्यूक्लियोसाइड। अब डीऑक्सी एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट, अब इसमें एसिडिटी आ जाएगी, एसिडिटी आ जाएगी तो ये बनेगा कौन सा, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, इज इट क्लियर। तो देखिए ये अपना पहला न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए एंड डीएनए बना, नंबर वन पहले बेस के साथ में। नंबर टू सेकंड देखिए अपन, सेकंड में अब मान लीजिए राइबोस शुगर है, ठीक है, पहली शुगर हो गई प्लस एडेनिन के बाद में ग्वानिन ले लीजिए, तो आप पहले न्यूक्लियोसाइड बना के बताओ क्या बनना चाहिए ग्वानिन के साथ में, ग्वानोसिन बनेगा, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब ग्वानोसिन प्लस अब इसमें आ जाएगा फॉस्फेट तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इसमें क्या बनना चाहिए, ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है, सिंपल, एक फॉस्फेट है तो जी ए एम पी कह सकते हैं इसको,
ठीक है ना, जीएमपी मोनोफॉस्फेट, इसको जीएमपी भी नाम देते हैं। जीएम मींस ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ये बन गया दूसरा। अब इसके साथ में दूसरा देखिए क्या बनेगा, यहां पर डीऑक्सीराइबोज प्लस ग्वानिन, डीऑक्सीराइबोज प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड ऑफ द डीएनए विद द ग्वानिन। तो यहां पर बनेगा डीऑक्सी ग्वानोसिन, ग्वानोसिन बट सुगर कौन सी है, डीऑक्सी, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसका न्यूक्लियोटाइड बना के देखते हैं, तो डीऑक्सी ग्वानोसिन प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू, यहां बना था ग्वानिलिक एसिड बट इसके साथ में कौन सी जुड़ गई है, डीऑक्सी, तो डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डी ऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, इज इट क्लियर। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये कैसे क्लियर होता जा रहा है। अब फोर्थ मींस थर्ड, थर्ड ये बच गया, सेम कंडीशन है, शुगर कौन सी है, राइबोज प्लस साइटोसिन बेस इज इक्वल टू क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो बनेगा सिस्टीन के साथ में सिस्टीडीन, सिस्टीडीन ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अब सिस्टीडीन, सिस्टीडीन प्लस फॉस्फेट तो एसिडिक बनेगा, एसिडिक बनेगा जो बनेगा सिस्टीडाइलिक एसिड, सिस्टीडाइलिक एसिड। अब इसके साथ में एक मोनोफॉस्फेट है तो ये कौन सा बनेगा, सिस्टीडाइलिक मोनोफॉस्फेट मतलब सीएमपी, क्लियर है। अब इधर अपन बना के देखते हैं इसमें थर्ड में, तो ये बना इसका वन, ये बना टू, इसमें न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, सेम कंडीशन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के साथ देखते हैं। तो अब इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गई पेंटोज शुगर, प्लस में आया कौन सा, सी सिस्टाइन, तो सिस्टीन के साथ में क्या बनेगा, साइड, ये साइड कौन सा बनेगा, डीऑक्सी सिस्टीडीन, सिंपल है डीऑक्सी सिस्टीडीन। अब डीऑक्सी सिस्टीडीन, सिस्टीडीन प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू डीऑक्सी सिस्टीडाइलिक एसिड, डीऑक्सी सिस्टीडाइलिक एसिड, सिंपल। लास्ट फोर्थ, ये तो आप खुद से बना के देखें तो ज़्यादा बेटर है, राइबोज शुगर, लास्ट को चलो कलर चेंज कर देते हैं, राइबोज शुगर है ये, राइबोज के साथ में कौन सा बच गया, यूरेसिल, तो अब बनेगा क्या, इससे बनेगा न्यूक्लियोसाइड, तो ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा यूरिडीन, दिस इज द यूरिडीन। अब इस न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन के साथ बाइंड होगा फॉस्फेट तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा बनेगा, यूरिडाइलिक एसिड, एसिडिटी बढ़ेगी, यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड में एक मोनोफॉस्फेट है तो ये क्या बनेगा, यू एम पी, ठीक। अब सेम कंडीशन फोर्थ इन डीएनए, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, यहां पर डीऑक्सी होगी, डीऑक्सी राइबोज प्लस, प्लस में यूरेसिल। अब देखिए यहां यूरेसिल तो है ही नहीं, यूरेसिल तो आरएनए होगा, आरएनए के साथ में यूरेसिल है, इतना याद रखिए, यहां गलती हो सकती है। यहां पर आएगा क्या, टी, टी ठीक। अब बनेगा न्यूक्लियोसाइड ऑफ द डीएनए टी के साथ में, तो ये जो बनेगा वो बनेगा डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन है ये। अब डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन इसके साथ में फॉस्फोर, फॉस्फेरस के जुड़ने से ही एसिडिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड,
डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड, ये एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियोटाइड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ये ऊपर वाला साइड है, ये टाइड है। तो आप देखिए इसके साथ में ये दोनों क्लियर हो गए, यहाँ पर ये अपना पॉइंट क्लियर हुआ। इसके साथ में न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए एंड आरएनए, वेरी सिंपल केस था, यहाँ पे कहीं पे किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो एक बेसिक आइडिया देखिए क्या हुआ न्यूक्लिक एसिड को लेके, न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए आरएनए कोई भी हो, दिस इज द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसमें एक शुगर होती है पेंटोज शुगर, दिस इज द राइबोज शुगर। राइबोज शुगर नॉर्मल है तो उसमें तीन ग्रुप OH होते हैं, फर्स्ट पर सॉरी सेकेंड पर थर्ड पर एंड फिफ्थ पर। लेकिन यदि इसमें से एक ओ ग्रुप डी हो जाए डी ऑक्सी, तो वो है सेकेंड कार्बन पे जो OH है उसका एक ओ अलग हो जाए तो वो हो जाती है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। इस बेस पे ही न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का हुआ डीएनए एंड आरएनए। राइबोज नॉर्मल है तो वो आरएनए है, फिर है डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, ये डिफरेंस हुआ शुगर का। अब आ जाइए बेस, फॉस्फेट दोनों में सेम है, फिफ्थ कार्बन पे जुड़ रहा है, आरएनए में फिफ्थ पे जुड़ेगा, थर्ड पे जुड़ेगा, सेकंड पे जुड़ेगा, बट डीएनए में फिफ्थ पे और सिक्स थर्ड पे जुड़ेगा, सेकंड पे नहीं जुड़ेगा, इसलिए डीएनए ज़्यादा डीएनए की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और मोर रिएक्टेंट कौन है आरएनए। नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस में जो प्यूरीन है, प्यूरीन ऑफ द डीएनए एंड प्यूरीन ऑफ द आरएनए सेम है। देखिए राइबोज शुगर हो गया, पेंटोज शुगर नाम दे रहे हैं, यहाँ पर डीएनए है तो ये हो जाएगी डीऑक्सी, आरएनए है तो यहाँ पर OH रहेगा। नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जबकि फॉस्फोरस अटैच होता है थर्ड पे और फिफ्थ पे डायस्ट बॉन्ड के द्वारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अब ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं तो नाइट्रोजनस बेस में डीएनए के अंदर प्यूरीन और प्यूरीन सेम है डीएनए आरएनए में कोई डिफरेंस नहीं, पायरिमिडीन का डिफरेंस है। पायरिमिडीन में यहाँ पे देखिए साइटोसिन है, साइटोसिन है सेम सिमिलरिटी, डिफरेंस काय का हुआ टी और यू का। इस बेस पे आगे डीएनए के और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली डीएनए को, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए आगे जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूव हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर।